नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी हो चुका है, जिनको हिस्सा लेना है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जुमा को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को जिंसी वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अगवा के मामले में अबूरी ज़मानत दे दी है। अदालत ने 14 जून तक उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को जुमा को दोपहर 1 बजे तफ्तीश के लिए हाजिर होने और तहकीकात में तआवुन करने की हिदायत की। भवानी रेवन्ना की उनके आबाई ज़िला हासन और मैसूर ज़िले के आर टाउन ताल्लुके में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जहां से शिकायत कुनिंदा का ताल्लुक है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली NDA हुकूमत के मुस्तकबिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत चलाने के लिए आपको बड़ा दिल और खुले मुश्तरका नज़रिए की ज़रूरत है। PM मोदी में खूबियाँ नापैद हैं, इनमें इत्तेहादी हुकूमत की क़ियादत करने के लिए इन ज़रूरी खूबियों की कमी है। शिवसेना UBT के लीडर संजय रावत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ताल्लुक से बयान देते हुए कहा कि दोनों लीडरान सबके हैं, आज आपके हैं तो कल हमारे होंगे। संजय रावत ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं और मोदी हुकूमत जो भी फैसला लेना चाहती थी आम लोगों ने उसकी मुखालिफत की। पी मोदी कह रहे थे कि अगर इंडिया इत्तेहाद इख्तियार में आता है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक़ में हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे, यानी रिजर्वेशन नहीं देंगे कहा था। अब भी बहुत से मसाइल हैं जिन पर बात करना बाकी है। गाज़ियाबाद स्टेशन पर जुमा की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। भुवनेश्वर से नई दिल्ली आ रही तेजस एक्सप्रेस का एक पहिया पटरी से उतरा। इसकी खबर मिलते ही फ़ौरन रेलवे के अफसर इंजीनियर मौके पर पहुँचे और तकरीबन 1 घंटे की सख्त मेहनत के बाद उसे ठीक कर दिल्ली के लिए रवाना किया। गनीमत यह रही कि हादसा गाज़ियाबाद स्टेशन पर हुआ, अगर रास्ते के दरमियान में होता तो इसे ठीक कर आगे मंजिल के लिए रवाना करने में बहुत ही वक्त लग जाता था। गुजरात के एक नदी में 4 अफराद की डूबने से मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के आनंद ज़िले वाक़ माही सागर नदी में गुस्ल करते वक्त एक ही कुंबे के 4 अफराद गरकाब हो गए। महलुकिन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। इस हादसे की जानकारी आनंद ज़िला पुलिस के ज़रिए दी गई है। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद का मामला पेश आया है। सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने जरेबाम ज़िले में गैर मुआयना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिस कर दिया। एक अफसर ने इस सिलसिले में 7 जून को बताया कि शूरिश पसंदों के जरिए 59 साल शख्स का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। इस मुजाहरे को देखते हुए रियासती हुकूमत ने फैसला किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमा को NEET 2024 के नतज में बेजाबतगियों का इल्ज़ाम लगाया और जायज़ शिकायत का इजाला करने के लिए तहकीकत का मुतालबा किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के नतज सामने आ चुके। इस बार भी रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। इससे कबल रवा माली साल 2024-25 की पहली MPC मीटिंग में पॉलिसी रेट को मुस्तहकम रखा गया था। लोकसभा इंतखाबात के बाद आम आदमी पार्टी ने जुमेरात को अपने अरकान असम्बली के साथ अपनी पहली जायजा मीटिंग मुनक़द की। इजलास में तमाम नशस्तों पर लड़े गए इंतखाबात का जायजा लिया गया है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने हालिया इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अपने वोट के जरिए एक मजबूत पैगाम देने पर मुल्क की आवाम को मुबारकबादी पेश करते हुए इंतखाबी नतायज को नफरत और तकसीम की सियासत के खिलाफ ज़बरदस्त मैंडेट करार दिया है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में इंडिया ब्लॉक ने मोदी ब्रिगेड को ज़बरदस्त टक्कर दी। इसका नतीजा यह है कि BJP तने तनहा अक्सर हासिल करने से बहुत दूर रही। इसको 240 सीटें हासिल हो अब वो NDA में शामिल दूसरी पार्टियों के रहम करम पर हुकूमत बनाने को मजबूर है। कांग्रेस की क्यादत वाले इंडिया ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत से इंतखाब लड़कर जाहिर कर दिया कि अब मोदी मैजिक के सहारे हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकती। इस दरमियान कांग्रेस को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। महाराष्ट्र के एक मुंतखब रुकन पार्लियामेंट ने इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया, यानी इंडिया ब्लॉक की सीटों की तादाद में
एक और इजाफा हो चुका है। पार्लियामेंट हाउस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्मों को उनके मखसूस मकाम से हटा दिया गया। ये बेहद हतक आमेज़ है। ये बयान आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्लियामेंट हाउस इहाते में मौजूद कुछ अजीम शख्सियतों के मुजस्मे को उनकी ख़ास जगह से पार्लियामेंट इहाते में ही दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने पर दिया है। उन्होंने इस बात पर सख्त एतराज़ किया कि आखिर ये मुजस्मे दूसरी जगह मुंतकिल करने की ज़रूरत क्या थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जनूबी गजा की पट्टी पर हमलों के हवाले से इसराइल को वाशिंगटन के खदशात का पूरा एहसास है। नारमंडी महाज की 80वीं सालगिरह की मुनासिबत से फ्रांस में मौजूद अमरीकी सदर ने फिलिस्तीन पर इसराइली हमलों के बारे में ABC न्यूज़ पर एक बयान जारी किया था। नाइजीरिया की रियासत जामफारा और कसेना में मुसलह हमलों में 42 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा ने 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी में हज़ारों शहरियों को शहीद करने वाले ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्ते इसराइल को झड़पों वाले इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले ममालिक और ग्रोहों की फहरिस्त में शामिल करके ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि इसराइल को गजा में जंग जीत कर उस काम को जल्द ख़त्म करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फोकस न्यूज़ टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए गजा की ताज़ा तीन सूरत और अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर अपना जायज़ा पेश करते हुए अपनी जहनी असबियत पेश की है। अलजज़ायर के मगरबी सूबों में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। अलजज़ायर की सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट जनरल के तहरीर बयान के मुताबिक मगरबी इलाकों में शदीद बारिश सैलाब और दरियाओं में तोगाएं आने का मूजिब बनी हैं। सूडान के दारुकुन खुर्तुम में रैपिड फोर्स के हमले में 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। मकामी मुजामती कमेटियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि आज उम्मेदरमान के बाज़ इलाकों में रैपिड फोर्स ने शदीद गोलाबारी की जिसमें 22 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्तों के दौरान मिस्र ने बारह कहा कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी की जुनूबी मकाम राफा गुजरगाह को अस्करी बना उसको बंद करने और ट्रकों के दाखिले में रुकावट का बायस बना हुआ है। दोनों मुल्कों ने एक फार्मूले तक पहुंचने के लिए मुशावरा शुरू कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि गजा के लिए इस अहम ज़मीनी राहदारी को खोल दिया जाएगा। अमरीका की मरकजी कमान सेनेट काम का कहना है कि बहर अहमर में ईरानी नवाज हुसैन के जेर कंट्रोल इलाके से भेजे गए 8 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। सेनेट काम ने एक सोशल मीडिया पर अपने बयान बताया कि हमारे इत्तेहादी मुल्क के बहरी जहाज़ ने बेरहमर में बास ड्रोन्स का पता लगाया है। वस्ती गजा के नुसरात कैंप पर इसराइल जालिम दहशतगर्द सहयोनी कुत्तों के फिजाई हमले में मजीद 5 फिलिस्तीनियों के जांबहक यानी शहीद होने की खबरें आ रही हैं। शाम की शिमाली मगरबी सूबे इदलिब में एक बस दरियाए आसी में गिरने से इब्तदाई इतलात के मुताबिक 6 अफराद के जान की बाजी हारने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द सहयोनी दरिंदे और कुत्तों की फौज की शिमाली महाज के कमांडर दहशतगर्द मेजर जनरल वोरी गोर्डेन ने बताया कि हमने जनूबी लबनान में मौजूद हिजबुल्ला के खिलाफ हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसराइली वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक वोरी गोर्डेन ने हिजबुल्ला के साथ जारी जंग की 18वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा तकरीर में खिताब में इस बात का इजहार किया था। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देखा कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।